रिवर्सिबल मशीन, ये क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और हमको ये भी मालूम है कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे मशीन की जिसको हम लोग को खुद को अपने हाथ से चलाना है। एग्जाम्पल जैसे नेल कटर, या फिर लेमन का जो जूसर आता है वो, या फिर हैंड पंप। तो ये होते हैं कुछ सिंपल मशीन। अभी इसमें एफिशिएंसी जो है वो 100% तो नहीं मिलेगा। अब हम लोग इसको खुद ऑपरेट करते तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारा जो एफर्ट है वो जितना हो सके कम हो जाए। रिवर्सिबल मशीन क्या होता है? एक ऐसा मशीन जिसमें एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब एफर्ट अप्लाई किए बिना आप लोड को लिफ्ट या डाउन कर सकते हो। एग्जांपल समझने का है तो स्क्रू जैक जिससे हम लोग गाड़ियाँ लिफ्ट करते, अगर हम लोग उसको हाथ से ऑपरेट करते और गाड़ी को लिफ्ट करते, और सपोज वो गाड़ी लिफ्ट हो गया है और हम लोग ने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब बिना एफर्ट अप्लाई किए वो लोड नीचे आ रहा है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन, जहाँ पे कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ा। उसके लिए कंडीशन क्या होता है? एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एफिशिएंसी 50% से कम है तो इरिवर्सिबल मशीन, जो कि हम लोग को चाहिए इरिवर्सिबल मशीन ही होना चाहिए, यानी भले ही थोड़ा लगे लेकिन एफर्ट लगना चाहिए। और अगर एफिशिएंसी इक्वल टू 50% है सो दैट इज कॉल्ड एज ऑन द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग।